अगर किसी तरह का लोग इस स्थान से छेड़खानी करते हैं तो वहाँ से नाग निकलता है और लोगों को दौड़ाता है। ये जगह दिखाई दे रहा है ना, यहीं से पानी निरंतर निकल रहा है। हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है हितेश कुमार। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपको भुजभुजी। तो नाम सुनकर थोड़ा सा अजीब से लग रहा होगा आपको, क्या है यह भुजभुजी, क्या है, कैसा है, तो ये सवाल आपके मन में है। तो इस जगह में आपको लेकर चलता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग है छुई खदान के छिंदारी डैम में। तो यह जो भुजभुजी है वो छुई खदान के छिंदारी डैम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं भुजभुजी। और इसी रोड में आपको कुछ सुंदर सुंदर पहाड़ी और कुछ सुंदर घाटी देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। रास्ते में ही गायों का एक झुंड दिखाई दिया। आप बोलोगे कि इसमें क्या खास है, तो यहाँ पर जो गायों का झुंड है दोस्तों, उसके गले में एक घंटा बंधा हुआ है। जो जंगली एरिया में इस तरह का चीज़ देखने को मिलता है। इस घंटे का ये फायदा है कि अगर कोई गाय है वो जंगल में घूम जाए तो इस घंटे की आवाज़ की मदद से इसके जो चरवाहा है उसे आसानी से ढूँढ लेते हैं। तो राजनांदगांव जिला में एक जगह है जिसे भुजभुजी के नाम से जाना जाता है। और यह जो जगह है वो मड़वा भाटा में आता है। जैसे कि आप छुई खदान के पास जो आओगे तो छिंदारी डैम से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर किसी को पूछ लेना कि यहाँ भुजभुजी कहाँ पास है तो आपको रास्ता बता दिया जाएगा। तो 3 किलोमीटर है वहाँ से। और यहाँ पर जो मांग पूर्णिमा को जिस समय राजीव लोचन मंदिर में मेला लगता है, राजीव में मेला लगता है, उस समय यहाँ भी मेला लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ के बारे में आपको जानकारी हम देते हैं। तो आपको आगे पक्की रोड मिलेगा, उसके बाद कच्ची रोड से होते हुए आपको पहुँचना पड़ेगा भुजभुजी। तो यहाँ पर एक नदी या नाले का पानी आ रहा है तो इसको पार करेंगे। और उसके बाद कुछ कुछ मंदिर हैं और यहाँ पर जो कुंड है उसको दिखलाते हैं। तो चलिए सामने में कुछ कुछ प्राचीन मंदिर बने हुए हैं उसको भी दिखलाते हैं। और कुछ कुछ नए मंदिरों का भी यहाँ पर निर्माण कराया गया है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ भुजभुजी में। तो भुजभुजी रियल में कहा जाए तो एक कुंड है, जहाँ पर एक कुंड से निरंतर पानी निकल रहा है। तो पीछे कुंड दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर आपको एक कुंड दिखाई दे रहा है ना, तो इसी कुंड से दोस्तों निरंतर जो जल का धार है वो निकलता रहता है। पता नहीं कहाँ से यहाँ पर पानी आता है, तो इस कुंड से पानी निकलता है। और एक सेकंड कुंड बनाया गया है, अगर लोग यहाँ पर नहाना चाहते हैं तो यहाँ का पानी उस कुंड में जाता है जहाँ पर लोग नहा भी सकते हैं। तो निरंतर दोस्तों यहाँ से पानी निकल रहा है। तो चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखलाने की। तो इस कुंड के पास में हूँ दोस्तों, जिसे भुजभुजी बोला जाता है। और यहाँ पर आपको गहरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है, काफ़ी गहरा है यहाँ पर। और आपको देखने से लगेगा कि यहाँ से पानी निकल रहा है। तो बताया जाता है कि यहीं से वहाँ पर धूल भी उड़ रहा है। तो एक रियल में यहाँ पर आप देख के समझ जाओगे कि वहाँ से पानी का एक धार आ रहा है। तो इस तरह के कुंड भरा हुआ है। और जब पानी ज़्यादा होता है तो वहाँ से रास्ता है जो सेकंड कुंड में जाकर मिलता है। तो निरंतर यार वहाँ से जल एकदम अच्छा धार आ रहा है, आप रियल में देखकर समझ सकते हो। बहुत अच्छा धार है वहाँ पर पानी का। और यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया गया है, ये देख सकते हो।
भी इस कुंड में हो दोस्तों, और रियल में आप उस कुंड में देखोगे तो आपको एहसास होगा कि उसमें से एक जल का धार है, वो निरंतर वहाँ से निकल रहा है। बोलते हैं कि गर्मी के समय भी आप आओगे तो यहाँ पर निरंतर जो जल का धार है यहाँ पर निकलता रहता है, कभी सूखता नहीं। इस तरह का यहाँ पर एक धार है, वो आता रहता है जल का, और ये कुंड पानी से भरा रहता है। यहाँ का ये मान्यता है कि चर्म रोग से अगर आपको किसी तरह का परेशानी है तो इस कुंड में आकर आप नहा सकते हो, चर्म रोग का पूरा परेशानी खत्म हो जाता है। और बताते हैं कि इस पानी को आप 20 साल तक भी अगर एक डिब्बे में भरकर रखोगे तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, इस तरह का मान्यता है। लोग बता रहे थे कि यहाँ पर राजनांदगांव जिला में ही आता है एक नर्मदा करके जगह है, वहाँ पर भी है नर्मदा कुंड, उसे नर्मदा माता के नाम से जाना जाता है। तो उस कुंड से भी निरंतर जो जल का धार इसी तरह का निकलता रहता है, और वो दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत लोग जानते हैं, बट इस कुंड को नहीं जानते, इसे बुझबुझी बोला जाता है। मैं इस कुंड के बहुत ही करीब भी हूँ, और हल्का सा ये जगह दिखाई दे रहा है ना, यहीं से पानी निरंतर निकल रहा है। और रियल में जब तक आप नहीं आओगे तो इस जगह के आनंद को आप नहीं महसूस कर सकते, और आपको यहाँ पर आना पड़ेगा तभी जाके आप इस खूबसूरत जगह को आप देख सकते हो। तो इस कुंड के अलावा यहाँ पर और भी कुछ कुछ जगह हैं जिसे मैं आपको इस वीडियो में दिखलाता हूँ। यहाँ पर एक टीला दिखाई दे रहा है ना, ए तो इसे नागदेव का स्थान बताया जाता है। यहाँ एक अंकल आए थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पर नागदेव का स्थान है, स्थान में अभी भी नागदेव विराजमान है। और यहाँ पर अगर किसी तरह का लोग इस स्थान से छेड़खानी करते हैं तो वहाँ से नाग निकलता है और लोगों को दौड़ाता है, इस तरह का वो अंकल बता रहे थे। तो ये जो जगह दिखाई दे रहा है ना, इसे मठ बताया जाता है, प्राचीन मठ है। यहाँ पर जो भी संत महात्मा यहाँ पर रहते थे उसका ये मठ बताया जाता है। तो ऊपर चलते हैं और इस मठ को भी दिखलाता हूँ। यहाँ पर कुंड भी है और नागदेव का स्थान भी है, और यहाँ पर प्राचीन शिवलिंग भी है। तो अभी कुछ कुछ जगह और बाकी है, तो पहले चलिए मठ के ऊपर मैं चलता हूँ और आपको दिखलाता हूँ। तो इस मठ के ऊपर मैं जा रहा हूँ, और चलिए आपको पास से दिखलाता हूँ। तो इस तरह का स्थान है और बहुत प्राचीन जगह है, जो ईंटों से निर्मित है, पूरा ईंटों से बना हुआ है, और इस तरह का है दोस्तों ये मठ। तो अभी हूँ मैं ये दोनों कुंड के बीच में हूँ। इस वाले कुंड से पानी निकलता है और ये सेकंड कुंड में जाकर मिलता है, और ये दिखाई दे रहा है। तो ये है एक संत का यहाँ पर मठ है, और यहाँ पर इधर नागदेव का मंदिर है, और इधर है दो यहाँ पर मंदिर दिखाई दे रहा है। तो इस मंदिर में भी लेकर मैं चलता हूँ। वो जस्ट कुंड से लगा हुआ है शिव मंदिर है। बताते हैं कि ये है प्राचीन शिव मंदिर जहाँ पर आपको शिवलिंग के दर्शन होते हैं। एक और मंदिर है दोस्तों, और उसी मंदिर में मैं अभी लेकर चलता हूँ आपको। तो ये जो मंदिर है उसके अंदर मैं पहुँच चुका हूँ, और ये जो देवी है वो जैसे जैसे आप मंदिर दर्शन करते जाओगे तो कुछ कुछ जगह है दोस्तों जिसे आपको देखने को मिलेगा, और रियल में बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पर है ये स्थान है, इसे देवी का स्थान बोला जाता है। तो यहाँ पर माता रानी के जो त्रिशूल है, चुनरी है, वो सब लगे हुए हैं। तो ये माता रानी का स्थान इसको बताया जाता है। बरगद का वृक्ष है, तो और इसी के पास कुछ देव का स्थान बताया जाता है। यहाँ पर भी आपको कुछ मूर्ति आपको देखने को मिलता है जिसे यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। तो इसे भी कोई देव स्थान इसे बताया जाता है। तो हम
हमारे आसपास बहुत खूबसूरत से खूबसूरत जगह होते हैं, बट हम लोगों को पता नहीं होता कि इतना खूबसूरत जगह भी है हमारे आसपास। हम दुनिया भर घूमते रहते हैं लेकिन अपने आसपास को ही हम लोग नहीं जानते। और इसी तरह का दोस्तों यह जगह है, एक छोटा सा जगह है, सिर्फ इसे आसपास के ही लोग जानते हैं, ज़्यादा लोग भी नहीं जानते। और जब यहाँ पर आते हैं तो लोग रियल में हैरान हो जाते हैं कि अपने आसपास भी ऐसा अद्भुत जगह है कि जहाँ पर निरंतर जो जल का धार है वो कहीं से निकल रहा है, जो इतना गर्मी होने पर भी यह जो कुंड है वो सूखता नहीं। तो ऐसा क्या मान्यता है, ऐसा कहाँ से ऐसा धार आ रहा है। तो रियल में चमत्कारिक जगह है और रियल में लोगों को यहाँ पर आना चाहिए और देखना चाहिए कि अपने आसपास भी इस तरह की जगह है। तो दोस्तों इस एरिया को पूरा अच्छे तरह से हम लोग घूम रहे हैं, एक एक जगह को अच्छे से देख रहे हैं और बहुत ही खाली एरिया है, यहाँ पर आपको कोई नहीं मिलेगा। तो आप आके इस जगह को देख सकते हो और बहुत ही प्रमाणित जगह है दोस्तों, गलत काम से बिल्कुल भी बचिए। यहाँ पर आते हो तो आप अच्छे से रहिए, सावधानी से रहिए और बिल्कुल भी यहाँ किसी तरह का आप गलती मत कीजिए। बहुत ही प्रमाणित जगह माना जाता है। यहाँ पर आपको कम से कम 10 यहाँ पर भंवर का छाता आपको दिखाई देगा। तो ये पेड़ है ना, इसमें 10 से अधिक भंवर का छाता है। और बताते हैं कि यहाँ जंगल में एक रास्ता है जो यहाँ से लगभग 10 से 20 किलोमीटर के आगे जाने पर आपको एक पहाड़ी मिलेगा। बताते हैं कि वहाँ पर लगभग बहुत बड़ा बसेरा है। बताते हैं कि वहाँ 1000 के आसपास भी भंवर का छाता देखने को मिलेगा। इस तरह का यहाँ पर लोगों द्वारा सुनने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आगे आपको पहाड़ी दिखाई दे रहा है। दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा बुजबुजी इस कुंड को जहाँ पर निरंतर निकलता रहता है जल का धार। तो यह वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।